डॉक्यूमेंटेशन बहुत जरूरी है। इंश्योरेंस में आप कोई पॉलिसी ले रहे हैं या भी कोई क्लेम कर रहे हैं तो हर डॉक्यूमेंट वेदर इट इज इन रिटर्न फॉर्म या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में उसको आप सेव करके रखिए। अब अगर कोई अनफेयर ग्राउंड पे आपका कोई क्लेम रिजेक्ट हुआ है तो कैसे उससे डील करना चाहिए? सबसे पहले आपको फाइल करनी है कंप्लेन इंश्योरेंस कंपनी में ही, ताकि अगर आपका कोई भी डिटेल्स डॉक्यूमेंट्स पेंडिंग है तो वो आप सबमिट कर दीजिए। विद इन अ वीक और 2 वीक वो आपको वर्डिक्ट देंगे कि ये आपका क्लेम पास होता है या नहीं होता है। अगर इन केस अगर आपका कोई क्लेम रिजेक्ट हो जाता है या पार्शियली ही पास होता है, तब भी आप उससे सेटिस्फाइड नहीं है तो आप इंश्योरेंस ओम्बड्समैन में जाके कंप्लेन कर सकते हैं। वो आपको वहां से वर्डिक्ट देंगे। मेजरली वो आपके ही फेवर में होगा अगर हमारी तरफ से सारी चीजें करेक्ट है तो। बट कभी भी आप जो भी कंप्लेन करते हैं उसके एक्नॉलेजमेंट लेटर आप अपने पास हमेशा रखिए, ताकि इन फ्यूचर आपको रिक्वायरमेंट है तो आप उसको यूटिलाइज कर सके। अगर आप इंश्योरेंस ओम्बड्समैन के वर्डिक्ट से भी सेटिस्फाइड नहीं है तो आप कंज्यूमर कोर्ट में जा सकते हैं एंड कंज्यूमर कोर्ट उस पर वर्डिक्ट देगा कि आपका क्लेम रिजेक्ट हुआ है तो वो सही है या नहीं है। अगर नहीं होता है तो कंपनी हैज टू पे फॉर द सेम। इसी रिलेटेड में अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप फाइनेंशियल फ्रेंड टीम से कनेक्ट कर सकते हैं, या आपका भी कोई क्लेम ऐसा है जो आपका पास नहीं हुआ है तो भी आप हमारी हेल्प ले सकते हैं। वी आर हैप्पी टू सर्व यू।